कामठीत सामान्य गोरगरीब लोकांना अन्न वस्त्र निवारा या प्राथमिक गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात, पण अनेक योजना कागदावर आणि शासकीय जाहिरातीपर्यंतच मर्यादित राहतात आणि त्याचा लाभ नागरिकांना होताना दिसत नाही. आणि विशेष म्हणजे ज्या गोरगरीब लोकांच्या मतावर सत्ताधारी सत्तेत येतात ते मात्र अशावेळी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर हजारो नागरिक रेशनपासून वंचित आहेत, परंतु यावर अजून कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. कामठी तालुक्यातील हजारो रेशन लाभार्थी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे मागील 2 वर्षांपासून रेशनच्या धान्यापासून वंचित आहेत. RPEDS प्रणालीवर RCM होत नसल्यामुळे अनेक लाभार्थींना रेशन मिळत नाही. आपले रेशन कार्डची प्रणालीवर नोंद करण्यासाठी अनेक लाभार्थी कामठी तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात मागील 2 वर्षांपासून चक्रमारीत आहेत. तर विभागात पुरवठा अधिकाऱ्यांवर मौदा व कामठी तालुक्याचा भार असल्याने ते देखील उपस्थित नसल्याने सामान्य गोरगरिबांना याचा त्रास होत असून यात ऑनलाईन प्रणाली बंद असल्यामुळे लाभार्थींची नोंद होत नाही. याबाबत कामठी येथील पुरवठा अधिकारी यांना विचारणा केली असता या प्रणालीच्या माध्यमातून नोंद करण्यासाठी सुमारे हजारो लाभार्थींनी अर्ज केले आहे, पण वरूनच तांत्रिक अडचण असल्यामुळे नोंद होऊ शकली नाही. या संदर्भात कामठी तालुक्यातील ऑनलाईन नोंद होत नसेल तर ऑफलाईन नोंद करून तालुक्यातील सर्व लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. VKB न्यूज साठी कामठी येथून नितीन रावेकर यांची रिपोर्ट. काम नाही हो पा रहा है. दो साल से जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो हो नहीं पा रही है बराबर, और वो मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पब्लिक में रोष है. इसलिए कैसा है कि मतलब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मतलब मैंने यहाँ पर परमानेंट एक अधिकारी देना चाहिए, क्योंकि कामठी तहसील एक बड़ा तहसील है और जो लोगों की समस्या है, जो राशन नहीं मिल रहा है लोगों को 2 साल से, मतलब मैं पहले ही मतलब महामारी चालू है और इस महामारी के अंदर में मतलब अगर अधिकारी नहीं रहेगा तो मतलब पब्लिक का क्या समस्या दूर कर सकेंगे लोग. कामठी के अंदर में राशन कार्ड का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑनलाइन की प्रक्रिया कई दिनों से लटकी पड़ी है. तो क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या होती जब आप आते हो यहाँ पे? साहब मैं माजी नगर सेवक हूँ, लगभग 2 साल से अनाज लोगों को गरीब लोगों को मिल ही नहीं रहा है. अभी बोलते हैं वो ऑनलाइन सेवा चालू है लेकिन वो काम करती ही नहीं है. मैं अभी भी लाया हूँ 10-12 राशन कार्ड, लेकिन मालूम नहीं पहले 20-25 रुपये लेते थे, कर देते थे वो ऑनलाइन, लेकिन अभी 2 साल से लगभग बंद है. गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ये होना चाहिए. मैं बार बार कामड़े बाबू और बाबू लोगों शिंदे साहब से बोलते रहता हूँ तो, लेकिन वो बोलते ऊपर से ऑर्डर नहीं है. कभी बोलते कि भाई ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है लेकिन उसके अंदर में वो नहीं है ना, ये नहीं है ना, वो नहीं है. बड़ी मुश्किल है गरीबों के लिए, बहुत तकलीफ़ वाली बात है. ये प्रक्रिया अनाज देने की चालू करना चाहिए. ये हमारा जितने भी बड़े नेता है सरकार से. ऑनलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो? डॉक्यूमेंट्स के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये, लेकिन आदमी 12 डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है. एक तो 50-55 हज़ार रुपये का वो मांगते हैं इनकम सर्टिफिकेट, जो कि पटवारी देने को ही तैयार नहीं है. लाने के बाद भी वो यही टाल मटोल करते हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन ही बंद है. क्या हाल हो रहा है इसके कारण? अरे गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है, जिसको मिल रहा है. बाकी यानी हमारे कामठी शहर में करीब 30% ऐसे लोग हैं जिसको अनाज नहीं मिल रहा है. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.